नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज भगवान शिव की आराधना हेतु रुद्राभिषेक का यह मुहूर्त है सबसे खास। बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी ई लाइब्रेरी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसी साल पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर 3 मचाएगा धूम। ITR फाइल करते वक्त फर्जी रसीद लगाने वाले हो जाए सावधान। रोहित कोहली की आलोचना पर पूर्व क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेल मंत्रालय में 111 पदों पर भर्ती। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने भारत के रेल मंत्रालय के तहत ड्राफ्ट्समैन और विभिन्न अन्य रिक्तियों के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 7 अगस्त शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट RITES.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की इस भर्ती अभियान का लक्ष्य सिविल इंजीनियर, पर्यावरण सामाजिक निगरानी विशेषज्ञ, जूनियर डिजाइन इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और अन्य जैसे विभिन्न पदों पर कुल 111 रिक्तियों को भरना है। आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि नियुक्ति शुरू में 1 वर्ष की अवधि के लिए पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर होगी, जिससे आपसी सहमति और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन कार्य पूरा होने तक बढ़ाया जा सकता है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्रों में 2 से 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। आज भगवान शिव की आराधना हेतु रुद्राभिषेक का यह मुहूर्त है सबसे खास। आज सावन का चौथा सोमवार है और अब तक सावन के 3 सोमवार बीत भी चुके हैं। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बड़ा ही पावन होता है। शिव भक्त बड़े ही धूमधाम से इस महीने को त्योहार की तरह मनाते हैं और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की विशेष आराधना करते हैं, साथ ही रुद्राभिषेक पूजा भी करते हैं। बता दें कि आज के सोमवार में ज्योतिषियों के अनुसार सुबह 7:26 से पहले किया गया रुद्राभिषेक बड़ा ही फलदायी होगा। यह मुहूर्त शिव भक्तों के लिए रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे खास है। इस मुहूर्त में यदि आप भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक का आयोजन कर उनकी आराधना करते हैं तो भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा होगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शेखर सुमन के बारे में। शेखर सुमन एक भारतीय अभिनेता, एंकर, निर्माता, निर्देशक और गायक है। उन्होंने 1984 में वह जनाब से टेलीविजन पर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने किरण जुनेजा के साथ अभिनय किया। उनके टेलीविजन करियर में देख भाई देख, रिपोर्टर, कभी इधर कभी उधर, छोटे बाबू, अंदाज, अमर प्रेम, विलायती बाबू, मूवर्स एंड शेखर, सिंपली शेखर और कैरी ऑन शेखर जैसे शो शामिल है। उन्होंने फरवरी 2006 तक स्टार वन पर फिल्म दीवानी द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो की मेजबानी की और डायल वन और जीतो के कुछ एपिसोड में दिखाई दिए। सहारा टीवी पर उन्होंने जी टीवी पर नीलम घर, स्टार वन पर ही मैन और स्टार न्यूज पर पोल खोल सहित क्विज शो की भी मेजबानी की। 2015 में उन्होंने आज तक पर अब की बारी शेखर बिहारी की मेजबानी शुरू की। वह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जजों में से एक थे। उन्होंने सोनी टीवी पर कॉमेडी सर्कस और सब टीवी पर कॉमेडी सुपरस्टार जैसे कई अन्य कॉमेडी शो में जज के रूप में काम किया। उन्होंने सब टीवी पर शो जब खेलो सब खेलो की मेजबानी की और सोनी टीवी पर प्रसारित लोकप्रिय डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के चौथे सीजन में भाग लिया। सुमन ने मई 2009 में कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा से हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। बिहार के इन सरकारी अस्पतालों से हटेगा अतिक्रमण। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला है। अस्पतालों के अतिक्रमण को स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के समन्वय से खाली करवाएगा। ऐसा देखा गया है कि अतिक्रमणकारियों ने अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कब्जा कर लिया है, जिसे हटाने के लिए अभियान चलाए जाने वाले हैं। कई जगह तो यह देखा गया है कि अस्पताल के जमीन पर ही कई मकान व दुकान बने हैं, साथ ही अस्पताल के परिसर में ही अस्थायी दुकान सजे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी ई लाइब्रेरी। जब से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी के पाठक के जिम्मे आई है, तब से लगातार कई सुधार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब विभाग के सचिव के पाठक के द्वारा राज्य के सभी जिलों में शिक्षा पदाधिकारियों को ई लाइब्रेरी की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इसके पहले चरण के तहत हाई स्कूल और प्लस टू के स्कूलों में ई लाइब्रेरी की सुविधा बहाल की जाएगी। बता दें कि ई लाइब्रेरी की सामग्रियों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को दी गई है। वहीं SCERT को कहा गया है कि संबंधित कक्षाओं के पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पुस्तकें और राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए रीडिंग मटेरियल इसमें डाल दिए जाएं और इसके साथ ही छात्रों से प्राप्त सूची से संबंधित पुस्तकों को भी ई लाइब्रेरी में डाला जाए। क्वेश्चन बैंक, गस पेपर, प्रैक्टिस प्रश्न पत्र को भी ई लाइब्रेरी में डालें। कबीर अंत्येष्ट अनुदान योजना का लाभ ले ऐसे। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा कबीर अंत्येष्ट अनुदान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत BPL परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उनकी अंत्येष्ट प्रक्रिया के लिए
सरकार की ओर से सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसके तहत सहायता राशि के रूप में सरकार की ओर से एकमुश्त 3,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ऐसे में वे व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए उन्हें अपने पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम के वार्ड सदस्य, वार्ड आयुक्त, वार्ड पार्षद से संपर्क करना होगा। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करना चाहता है तो वह जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना को लेकर यह सभी जानकारी IPRD के द्वारा ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर भटकने वाले गरीब बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म पर लगेगी पाठशाला। रेलवे की ओर से उन बच्चों के लिए पहल की गई है जो रेलवे स्टेशन पर भटकते नजर आते हैं। बता दें कि लावारिस बच्चों के लिए रेलवे की ओर से अपना रेल पाठशाला खोला जा रहा है। मालूम हो कि इस पहल की शुरुआत मुजफ्फरपुर रेल SP डॉक्टर कुमार आशीष के द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए GRP प्रभारी से इन बच्चों की सूची मांगी गई है ताकि सूची के तहत जगह चिन्हित कर पाठशाला की शुरुआत की जा सके। मालूम हो कि बच्चों को यह शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार रेल SP की ओर से इस पाठशाला की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, बस जगह मिलते ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे घोड़ा कटोरा के बारे में। घोड़ा कटोरा झील राजगीर के पास स्थित एक प्राकृतिक स्थल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भारतीय महाकाव्य महाभारत से राजा जरासंध का घुड़साल हुआ करता था, इसलिए इस जगह का नाम घोड़ा कटोरा पड़ा। छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थल काफी मनमोहक और प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। यह विश्व शांति शिवालय के पास स्थित है। इस झील में नौका विहार का आनंद लोगों को रोमांचित करता है। घोड़ा गाड़ियां या तांगे और साइकिल पर्यटकों को यहां तक पहुंचने में मदद करती है। इस झील की प्राचीन प्राकृतिक शैली और इसके बीचों बीच स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा आज के दौर में पर्यटकों को अपने अतिविशिष्ट रूप के कारण काफी आकर्षित करती है। बिहार राज्यपाल ने ग्राम संसद को लेकर कही ये बात। पटना के एक होटल में आयोजित ग्राम संसद बिहार चैप्टर कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर गांव की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, जिसमें वहां के विशेषताओं से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध हो। इससे उस गांव की पहचान पूरी दुनिया में हो सकेगी। आगे उन्होंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर ग्राम संसद को काम करना चाहिए। गांव में उपलब्ध संसाधनों को विकसित कर ग्रामवासियों को वहीं पर किस प्रकार से रोजगार दिलाया जा सकता है, इस पर काम करना चाहिए ताकि रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ITR फाइल करते वक्त फर्जी रसीद लगाने वाले हो जाए सावधान। आज इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख है। मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने अपनी स्क्रूटनी बढ़ा दी है, साथ ही वह AI की मदद से भी ले रहा। साथ ही इन्होंने टैक्स छूट के लिए फर्जी रेंट रसीद या बिल लगाए हैं, उन्हें विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा। विभाग के निशाने पर सैलरीड लोग हैं जिन्होंने टैक्स में छूट लेने के लिए फर्जी रसीद लगाए थे। विभाग इन लोगों पर अपनी पूरी निगरानी रख रहा कि इनकम टैक्स फाइल करने पर कहीं किसी ने गलती बिल या रसीद तो नहीं लगा दिया। यदि जो लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं उन लोगों पर 200% तक जुर्माना लगाए जा रहे हैं। ध्यान रहे, यदि आप पेनल्टी देने से बचना चाहते हैं तो आज ही अपनी ITR फाइल कर लें, क्योंकि आज ITR फाइल करने की अंतिम तारीख है। अगर आपने आज नहीं किया तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए से 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। जुर्माना के साथ विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध है। प्लास्टिक मुक्त बना नालंदा विश्वविद्यालय, बिजली उत्पादन की भी हो रही तैयारी। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय एक नई दिशा में पहल कर रहा। दरअसल विश्वविद्यालय कैंपस अब प्लास्टिक फ्री हो चुका है। बता दें कि अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय के परिसर में पानी के प्लास्टिक बॉटल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार परिसर में मौजूद जितने भी विद्यार्थी, शोधार्थी से लेकर विश्वविद्यालय में मौजूद सभी कार्यालय, छात्रावास, कुल सचिव व कुलपति के चैम्बर तक में भी अब प्लास्टिक के बॉटल उपयोग में नहीं ला जा सकेंगे। प्लास्टिक की जगह स्टील, ग्लास या अन्य बॉटल उपयोग में लाए जाएंगे। कैंपस को प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने के बाद कार्बन मुक्त बनाने की कवायद भी अब शुरू हो चुकी है। इसके अलावा परिसर में 6.5 मेगावाट बिजली उत्पादन की तैयारी भी चल रही। इसका उत्पादन बायोगैस और सोलर के जरिए किए जाएंगे। करियर पोर्टल पर सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जिले किए जाएंगे पुरस्कृत। वे जिले पुरस्कृत किए जाएंगे जो अपने कैरियर पोर्टल पर सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन करेगा। जिला शिक्षा कार्यालय को इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने पत्र भी लिखा है। मालूम हो कि स्कूलों में करियर सेंटर बनाया गया है ताकि स्कूली छात्र छात्राएं करियर के प्रति जागरूक हो सके। स्कूली प्रशासन को छात्रों का रजिस्ट्रेशन इसी सेंटर के माध्यम से करवाना है। जो विद्यालय सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में ही करियर पोर्टल की शुरुआत की गई थी ताकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को विभिन्न तरह के करियर की जानकारी दी जा सके। OTT प्लेटफॉर्म पर इसी साल पंकज त्रिपाठी के मिर्जापुर 3 मचाएगा धूम।
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रहे कई सीरीज ने लोगों के बीच धूम मचाया है। इन्हीं सीरीज में से एक सीरीज मिर्जापुर भी शामिल है। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, वहीं अब मिर्जापुर 3 भी आने वाला है। मिर्जापुर सीरीज के फैंस एक लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इसी वर्ष अमेजन प्राइम पर यह सीरीज रिलीज होगी। पिछले सीजन में यह देखने को मिला था कि गुड्डू भैया अपने भाई की मौत का बदला मुन्ना भैया और कालीन भैया से लेते दिखे थे। मालूम हो कि कालीन भैया का किरदार निभाने वाले बिहार के पंकज त्रिपाठी की भी इस सीरीज में अहम भूमिका है। हालांकि इस बार की कहानी की अहम धुरी मिर्जापुर के साथ ही बिहार की भी रहेगी। बिहार और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाले सुरंग में मिलेंगी ये सुविधाएं। जल्द ही आधुनिक भूमिगत सुरंग की खुदाई की जाएगी ताकि बिहार और पटना म्यूजियम को जोड़ा जा सके। बता दें कि निविदा की प्रक्रिया जो कि DMRC द्वारा जारी की गई थी वह अब अंतिम चरण में है। जैसे ही इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी निर्माण कार्यों को भी शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि 1.47 किलोमीटर भूमिगत सुरंग की लंबाई होगी। यह जानकारी DMRC द्वारा दी गई है। कुल 373 करोड़ रुपए इसके निर्माण लागत में आने वाले हैं। 5 करोड़ की राशि पहले ही नगर विकास विभाग द्वारा दे दी गई है। बता दें कि इन दोनों म्यूजियम को जोड़ने के लिए बन रहे इस टनल में कई सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यही आसान और पर्यावरण अनुकूल सुविधा में गोल्फ कार्ट्स प्रदान किए जाएंगे जो बैटरी से संचालित होंगे। इस टनल में सुरक्षा हेतु सभी उपाय मौजूद होंगे। साथ ही यह सुरंग वातानुकूलित भी रहेगी। ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के इंतजाम के साथ ही फायर फाइटिंग की सुविधा भी रहेगी। वह सुरंग आकर्षित दिख सके इसके लिए यहां बिहार की कला व संस्कृति की झांकी भी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाए जाएंगे। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही थी। हालांकि मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से काफी राहत मिल सकती है। बता दें कि IMD बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 31 जुलाई को राज्य के अधिकांश जिलों में 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं कैमूर, नवादा और रोहतास जिलों के 1-2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अगर कल यानी कि 1 अगस्त के मौसम की बात करें तो पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में 1-2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्णिया, नवादा, जमुई, गया, अररिया और किशनगंज जिलों में 1-2 स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। दशरथ मांझी के समाधि को राज्य सरकार ने दिया पर्यटन स्थल का दर्जा। पहाड़ तोड़कर सड़क बनाने वाले दशरथ मांझी आज किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने पत्नी के प्यार में अपने जीवन के पूरे 22 वर्षों तक एक छेनी और हथौड़ी के सहारे अपने मेहनत से एक पहाड़ काटकर सड़क बना दिया। अब राज्य सरकार दशरथ मांझी के याद में एक बड़ी पहल करने जा रही। दरअसल राज्य सरकार दशरथ मांझी के गाँव दशरथ नगर और उनके समाधि स्थल को विकसित करने और सौंदर्यकरण की योजना बना रही। बता दें कि दशरथ मांझी के गाँव का विकास कार्य लगभग 17.4 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। गौरतलब है कि दशरथ मांझी के समाधि स्थल को अभी हाल में ही सरकार ने पर्यटन स्थल और विकास स्थल का दर्जा दिया है। पूर्व सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों से मिले सीएम नीतीश। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी के पूर्व सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों से मिलने का निर्णय किए हैं। बता दें कि उनकी इस मुलाकात का सिलसिला बीते दिन यानी कि रविवार से शुरू हो चुका है। मालूम हो कि सीएम नीतीश सभी से एक अन्य मार्ग पर मिल रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश इन नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं और उनके इलाके में किस तरह की राजनीतिक माहौल है, संगठन की सक्रियता कैसी है यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वे केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में लोगों की राय भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कटिहार कांड को लेकर नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का तंज। बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा पटना एयरपोर्ट पर कटिहार कांड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि कटिहार में प्रशासन के लोगों के द्वारा किसानों की हत्या की गई है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मुख्यमंत्री विपक्षी दलों की बैठक में व्यस्त हैं, लेकिन उनके पास किसानों से मिलने के लिए समय नहीं है। वे मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। उन्हें घटनास्थल पर जाकर खुद देखनी चाहिए। बिहार सरकार से अपनी मांग करने पर उन पर लाठीचार्ज और गोली चलाई जा रही है। शिक्षकों की बहाली में लगातार देरी हो रही। पिछले 25 सालों से किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही छात्रों की समस्या पर ध्यान दिया गया है। लालू यादव ने अपने अंदाज में पीएम मोदी पर कसा तंज। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा छात्र राजद भारत के नाम से बनाए गए नए संगठन के पहली बैठक में बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी कीमत पर देश की एकता, अखंडता और बाबा साहेब के विचारों को मिटने नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी देश को बचाइए। देश के नौजवान ही देश और भविष्य के रखवाले हैं। महंगाई
लड़ाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, इसलिए भाजपा का सफाया तय है। हम लोगों को आपस में मिलकर भाजपा को हटाने पर बल देना होगा। भाजपा के लोग बहुत घबराहट में हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी विदेश में घूम घूम कर जगह तलाश रहे हैं, वे वहीं पर पिज्जा बर्गर चाउमीन और मोमो खाएंगे। लालू ने कहा कि 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, भाजपा एक तरफ और दूसरी ओर इंडिया के बीच लड़ाई होगी। मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए 1 अगस्त से चलेगी जेडीयू की भाईचारा यात्रा। जेडीयू की ओर से बिहार में मुस्लिमों को रिझाने के लिए 1 अगस्त से 6 सितंबर तक भाईचारा यात्रा की शुरुआत की जाने वाली है। इन 40 दिनों के भाईचारा यात्रा में बिहार के 26 जिलों में पार्टी के नेता जाएंगे। बता दें कि इस यात्रा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पार्टी के MLC खालिद अनवर को दी गई है। मालूम हो कि यह यात्रा 3 चरणों में होगी, जिसमें से पहला चरण 1 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा, तो वहीं दूसरा चरण 16 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा और फिर तीसरे चरण की यात्रा की शुरुआत 28 अगस्त से होगी, जो कि 6 सितंबर तक चलेगी। इस यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा कहा गया कि भाईचारा यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा और बीजेपी के धार्मिक उन्माद को लेकर जागरूक किया जाएगा। वहीं मंत्री जमा खान के द्वारा कहा गया कि बीजेपी आज पूरे देश का माहौल खराब करने रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसका मैसेज आज पूरे देश में जा रहा है। इसके अलावा जेडीयू MLC खालिद अनवर के द्वारा कहा गया कि यात्रा 40 दिनों का है, यह 1 अगस्त से शुरू होकर 6 दिसंबर को खत्म हो जाएगा और 17 सितंबर को इसका समापन कार्यक्रम किया जाएगा। रोहित कोहली की आलोचना पर पूर्व क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी। वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से रौंद कर सीरीज 1-1 से बराबरी की। दूसरे वनडे में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया था, जबकि हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंपी गई। ऐसे में इस मैच में भारतीय टीम के इस एक्सपेरिमेंट को लेकर जमकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में जियो सिनेमा एक्सपर्ट और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया शेयर की। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्यों आराम दिया गया इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता है। दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद कोई भी मैच नहीं खेला है। WTC के फाइनल के बाद वह 3 हफ्तों के ब्रेक पर थे। सिर्फ 7 दिन भारत वेस्टइंडीज के टेस्ट मैच में उन्होंने खेला और उसके बाद वह वनडे सीरीज खेलने लगे थे। अगर आप T20 सीरीज को छोड़ना चाहते हैं तो उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस साल के अंत में T20 विश्व कप नहीं है। इसके अलावा जियो सिनेमा का एक्सपर्ट अभिषेक नायर का मानना है कि मजबूत टीम को बड़े टूर्नामेंट में खेलना चाहिए, क्योंकि आप एक बार खेलते हैं तो हर किसी को एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता चल जाती है और इससे आपको एक साथ खेलने में मदद मिलती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को स्वयं को मंगोल का राजा घोषित किया। मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने 31 जुलाई 1924 में रेडियो प्रसारण संचालित करने का बेड़ा उठाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 31 जुलाई 1933 में हमेशा के लिए साबरमती आश्रम छोड़ा। ब्रिटिश सरकार ने 1940 में उग्र क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उद्धम सिंह को लंदन में फांसी दी। भारत में सबसे पहली राज्य परिवहन सेवा पश्चिम बंगाल में राज्य परिवहन निगम की स्थापना 31 जुलाई 1948 में की गई। भारत और नेपाल ने 1950 में शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। सितार वादक पंडित रविशंकर मैगसेस 1992 में पुरस्कार से सम्मानित हुए। भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता में 31 जुलाई 1993 को उद्घाटन हुआ। लोकसभा ने 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया। प्रोफेसर अशोक सेन को 2012 में पहले यूरी मिलनर फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज के 9 विजेताओं में से 1 विजेता घोषित किया गया। प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म 1880 को हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 1916 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन 1980 को हुआ था। वायरल में आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी ब्लॉग नामक YouTube चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि जिनके परिवार में बेटियां हैं उन्हें कन्या सुमंगला योजना के तहत केंद्र सरकार हर महीने 4,500 रुपए दे रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। व्हाट्सएप में जल्द आप HD क्वालिटी की वीडियो कर पाएंगे शेयर। व्हाट्सएप पर भेजे गए वीडियो की क्वालिटी अपने आप कम हो जाती है, जिससे सामने वाले व्यक्ति का वीडियो खराब दिखता है। ऐसे में समस्या को खत्म करने के लिए मेटा व्हाट्सएप में वीडियो क्वालिटी को एनहांस कर रहा है और जल्द आप वीडियो को HD क्वालिटी में भी भेज पाएंगे। WA बीटा इन्फो के मुताबिक कंपनी यूजर्स को वीडियो शेयर करने के दौरान उसकी क्वालिटी सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन देगी। इसमें आपको स्टैंडर्ड और HD का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर आप HD वीडियो क्वालिटी को चुनते हैं तो सामने वाले यूजर को वीडियो इसी क्वालिटी में मिलेगी और वीडियो मैसेज में ये लिखा भी आएगा कि ये फाइल HD क्वालिटी में शेयर की गई है। फिलहाल ये अपडेट कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट कर सकती है।
पीएम मोदी ने सीबीएसई स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम लागू करने के दिए संकेत। केंद्र सरकार देश के सभी स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी कर रहा। इसके तहत एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। बता दें कि इसकी जानकारी भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश में 12वीं एजुकेशन सिस्टम की जगह 5 जोड़, 3 जोड़, 3 जोड़, 4 शिक्षा प्रणाली लाई जा रही। आगे उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का बहुत ज्यादा महत्व है। शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश का भाग्य बदलने की ताकत है। एक तरफ हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत के प्राचीन परंपराओं को सहेज रही तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक साइंस और हाईटेक टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जुलाई, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी 27 जुलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 27 जुलाई। अगला सवाल, राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। अगला सवाल, डॉक्टरों के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर किस राज्य ने 65 वर्ष करेगी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, इनमें से कौन बिहार के पहले राज्यपाल हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी माधव श्रीहरि, ऑप्शन सी जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जयराम दास दौलतराम। अगला सवाल, बिहार का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 6वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12वां। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रवि कुमार राम, प्रिंस गुप्ता, ललन कुमार चंद्रवंशी, अनवर करीम खान, रामचंद्र सिंह, सदुल्लाह पलवी, हलेश्वर कुमार, नन्नू गोलो कुमार, सतीश पांडे, बाबूलाल मरांडी, नौसद अंसारी, राजीव कुमार, ज्योति कुमारी, उदय कुमार पासवान, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में ई लाइब्रेरी के होने से छात्रों को कितना लाभ मिलेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।